सील अपनी मुट्ठी बांधते हैं, वे उसकी जेसिका बुकानन हैं, उसके जीवन की याचना करते हुए कई समुद्री लुटेरों द्वारा अपहरण किए जाने से पहले अमेरिकी शिक्षिका ने सोमालिया में एक विध्वंस परियोजना में भाग लिया था। अब वह बीमार पड़ी थी और रेगिस्तान में कहीं भूख से मर रही थी। अपने भारी हथियारों से लैस कैदियों की हवाओं के खिलाफ प्रसिद्ध सील टीम 6 के संचालक उसे बचाने के लिए सब कुछ करेंगे, लेकिन एक बुरी खबर, अगले जस्ट गेल फोर्स का पीछा किया, हवाएं नाविकों को 2 बार से अधिक समय में विमान से बाहर कूदने के लिए मजबूर करती हैं, जो सामान्य रूप से उसके शीर्ष पर काम को रद्द कर देती है। वे एक सौर तूफान के बीच में थे जो घंटों तक इकाइयों का समर्थन करने के लिए रेडियो संचार को अवरुद्ध कर सकता था। जमीन को छूने से पहले ही मुहरों को यह साबित करना होगा कि वे सर्वश्रेष्ठ में से एक हैं। किसी भी अन्य मिशन में कम से कम एक दिन की देरी होती, लेकिन वॉरियर्स नई जेसिका के पास वे 24 घंटे नहीं थे, और इसलिए उन्होंने अपने पैराशूट लगाए, अपने ऑक्सीजन टैंकों की जाँच की और फिर अज्ञात अंधेरे में कूद गए। और सबसे साहसी बंधकों में से एक, कभी भी जेसिका बुकानन 32 साल की नहीं थी और अपने डेनिश सहयोगी के साथ सोमालिया के सुरक्षित क्षेत्रों में से एक में अपने पति के साथ रह रही थी, पॉल फिस्टेड, उसने एक बड़े सहायता संगठन के लिए काम किया। हमारे अगले असाइनमेंट पर बच्चों को एंटी कर्मियो माइन के खतरों के बारे में शिक्षित करना, जो पूरे देश में व्यापक थे। उसे तथाकथित ग्रीन लाइन के करीब डेंजरसली यात्रा करनी थी, और पीछे अदृश्य लाइन, जो इस्लामवादियों द्वारा नियंत्रित क्षेत्रों में थी। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सुरक्षा स्थिति पहले से ही तनावपूर्ण थी, क्योंकि यह बम हमलों और प्रतिद्वंद्वी के बीच छोटी झड़पों के साथ थी, जनजातियां होती हैं लगभग नियमित रूप से। हालांकि जेसिका अफ्रीका में दीवारों के पीछे छिपने के लिए नहीं आई थी, इसलिए उसने खदान रोधी प्रशिक्षण आयोजित करने का निर्णय लिया। फिर भी पहले सब कुछ बिना किसी घटना के होता दिख रहा था, लेकिन 25 अक्टूबर को 2011 उनकी वापसी यात्रा का दिन मानवीय कार्यकर्ताओं के लिए सब कुछ बदलने वाला था। जेसिका को जिस पहली चीज पर शक हुआ, वह थी उनके सामान्य ड्राइवर के बजाय एक पूरी तरह से अनजान आदमी लैंड क्रूजर में बैठा हुआ था। कौन उन्हें हवाई अड्डे पर ले जाने वाला था? डेनिश सहकर्मी, हालांकि जल्दी में प्रतीत होता है और यात्री की सीट पर चढ़ गया, प्रभावित नहीं हुआ। यही वजह है कि जेसिका ने चिंता करना बंद कर दिया। फिर केवल 10 मिनट की ड्राइविंग के बाद यह विशाल कार पर हुआ। काफिले को एकाएक रुकने पर मजबूर कर दिया। AK-47 असॉल्ट राइफलों के साथ लगभग 30 आदमी लैंड क्रूजर की खिड़कियों पर धमाका करते हुए और एक भाषा में आदेश चिल्लाते हुए कई वाहनों से कूद गए। जेसिका समझ नहीं पाई इससे पहले कि वह समझ पाती कि उसके साथ क्या हो रहा है। लुटेरों में से एक ने अपनी बंदूक उसके सिर पर तान दी, जबकि उनके सुरक्षा सलाहकार को वाहन से हिंसक तरीके से घसीटा गया। एक भारी हथियारों से लैस आदमी खाली सीट पर बैठ गया और उसने जेसिका को आदेश दिया। चालक, जिसने स्वेच्छा से गैस मारा और दिखाया कि वह वास्तव में किसके लिए काम कर रहा था। कुछ ही देर में वे फिर रुके और गाड़ियां बदली। समुद्री लुटेरों की जोरदार चीख पुकार के बीच पूरी बात अपहरणकर्ताओं पर बहुत अच्छी तरह से नियोजित लगती है। स्पष्ट रूप से अफ्रीका में पकड़े गए एक पौधे को बहुत अधिक खाया जाता है, जो समुद्री डाकू के बीच में रुकने के बाद एम्फेटामिन के समान काम करता है। जेसिका और पॉल को अपना निष्पादन खुद तैयार करना था, केवल उनके दुखद होने से ठीक पहले गाड़ी में वापस भेजा जाना है। इसने पहले ही जेसिका की सहायता के पहले प्रतिवाद शुरू कर दिए थे। संगठन ने हमले के तुरंत बाद नैरोबी में अमेरिकी दूतावास को सूचित किया था, जिसने यहां से FBI को सूचित किया। परिवार के सदस्यों को उन्हें आश्वस्त करने और तर्कसंगत रूप से कार्य करने से रोकने के लिए फोन किए गए। दिन खत्म होने से पहले ही उच्च पदस्थ अधिकारियों ने अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा को इसकी जानकारी दी, और जब समुद्री लुटेरे अधिकारियों से संपर्क करने की तैयारी कर रहे थे तो आप नहीं कर सकते, व्हाइट हाउस में यह पहले से ही सर्वोच्च प्राथमिकता थी। सभी प्रणालियों ने बाद में कहा कि उनके साथ जो सबसे अच्छी बात हो सकती थी वह एक अमेरिका के साथ अपहरण करना था। बंधकों और समुद्री डाकू दोनों को जल्द ही पता चल जाएगा कि इसका क्या मतलब है। लगभग 3 महीने बाद भी जेसिका अभी भी कैद में थी। अच्छी खबर यह थी कि वह अभी भी जीवित थी। बुरी खबर, क्या वह धीमी बातचीत के बावजूद था? फिरौती के लिए कोई समझौता नहीं हो सका। जैसा कि पायरेट्स ने $1.5 मिलियन के पर्याप्त पैसे देने से भी इनकार कर दिया था, उनमें से प्रत्येक को कम से कम 30 साल के लिए हर रोज स्थापित किया जाएगा। जेसिका ने भूख की गर्मी और लगातार इस डर से लड़ाई लड़ी कि अपहरणकर्ता उसे नुकसान पहुंचाएंगे। मानो वह सब काफी बुरा नहीं था। एक मूत्रपथ संक्रमण उसके शरीर के माध्यम से फैल गया था, और सबसे खराब स्थिति में यह घातक और पश्चिमी अधिकारियों के लिए एक अंतिम वीडियो संदेश हो सकता था।
वह शामिल हो गई। पॉल और अपने जीवन के लिए भीख मांग रही थी और फिरौती का त्वरित भुगतान कर रही थी, अन्यथा वह या तो अपने संक्रमण से मर जाएगी या खाट के नशे में धुत समुद्री लुटेरों की हवाओं का शिकार हो जाएगी। उसकी प्रार्थनाओं का जवाब मिला जब 10,000 मील दूर 24 सेल फोन अचानक पुरुषों की घंटी बजी। फोन उठा रहे थे, लंबी दाढ़ी रखते थे और टैटू से ढके हुए थे। उनमें से कुछ का कद भालू जैसा था जबकि अन्य कठोर मैराथन धावकों की तरह दिखते थे, लेकिन उन सभी में एक चीज समान थी जो पूर्ण शांत आत्मविश्वास और व्यावसायिकता की आभा थी। वे सभी प्रसिद्ध सील टीम 6 का हिस्सा थे जिन्हें अगले कुछ हफ्तों में एक बंधक बचाव के लिए सतर्क किया गया था। सील टीम 6 ब्लू है, बचाव के लिए स्क्वाड्रन ट्रेन दिन और रात। जेसिका वीडियो से उसकी विनती आवाज संदेश हमेशा उनके दिमाग के पीछे। वॉरियर्स ने पूरी दुनिया में विभत्स पुरुषों का शिकार किया था, लेकिन जब महिलाओं और बच्चों के जीवन की बात आई तो वे 25 जनवरी को विशेष रूप से प्रेरित हुए। 2012 अंत में समय आ गया था। राष्ट्रपति ओबामा ने खुद बंधक बचाव के लिए 24 सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं को हरी झंडी दे दी थी। अमेरिका को दोनों बंधकों को निहत्थे छुड़ाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने की पेशकश करनी पड़ी। उनकी योजना सोमालिया के ऊपर से पैराशूट से उड़ाने की थी और फिर पैदल ही समुद्री डाकू शिविर के पास पहुंचा, ताकि दुश्मन को अमेरिकी ऑपरेशन बेस पर जोर शोर से सतर्क न किया जा सके। जेसिका के स्थान से लगभग 500 मील की दूरी पर जिबूती में सैन्य संबंधी सब कुछ इकट्ठा किया गया था जो किसी तरह से उपयोगी था। इस बिंदु पर कुल परिचालन लागत पहले से ही ठीक थी। $100 मिलियन से अधिक की राशि बचाने के लिए अमेरिका खर्च करने को तैयार था। केवल एक नागरिक ने अंतिम तैयारी के साथ अपने C-130 परिवहन विमान के सील बोर्ड को पूरा किया और मोगादिशु से उड़ान भरी। उल्लेखनीय रूप से पायलट स्वयं अभी अभी आए थे और ठीक पहले 9 घंटे की उड़ान पर थे, लेकिन हमेशा की तरह अपना काम करते हैं। राष्ट्रपति सहित वे सभी जो ऑपरेशन वाइल्डलाइफ की निगरानी कर रहे थे। अब बंधक बचाव पर, जैसा कि बाद में पता चला, अपहरणकर्ता ठीक इसी रात को अपनी स्थिति बदलना चाहते थे, लेकिन इसने मांस को भी खराब कर दिया और इसलिए दूसरी तरफ रहना बंद कर दिया। रेडियो तरंगे और अन्य समर्थन इकाइयों के साथ यह रेडियो संचार बाधित हो गया। मतलब युद्ध में सबसे खराब स्थिति कोई त्वरित प्रतिक्रिया बल नहीं है, कोई स्थिति रिपोर्ट नहीं है और कोई करीबी हवा नहीं है। उस पर समर्थन हवा की गति दोगुनी से अधिक थी। क्या रद्द कर दिया होता? एक नियमित मिशन। लेकिन जेसिका बुकानन का बचाव एक नियमित मिशन नहीं था और बोर्ड पर मौजूद 24 लोगों में से हर एक उस अतिरिक्त जोखिम को लेने के लिए तैयार था। हवा में लगभग 3 घंटे के बाद C-130 अपने ड्रॉप पॉइंट पर पहुंच गया था। मुरे अपने स्थानों से उठ खड़ी हुई, उनके ऑक्सीजन टैंकों को जोड़ा और फिर 20,000 फीट से अधिक 40 में गिरा दिया। फ्रीफॉल के केवल कुछ सेकंड के बाद ही नहीं, ऑपरेटर्स पहले ही 120 मील प्रति घंटे की गति तक पहुंच गए थे, जो आमतौर पर प्रतिस्पर्धी एथलीटों द्वारा इष्टतम परिस्थितियों में प्राप्त की जाती है। मनाया जीत की स्थिति के बावजूद सील जमीन पर उतरने में कामयाब रहे। पैराशूट से अलग होने से पहले सैकड़ों गज की दूरी के लिए सवाना में घसीटे जाने वाले कुछ भगोड़ों के साथ हर एकजुट एक दूसरे के लिए पवित्र सुरक्षा नाविकों ने अपने लड़ाकू गियर पर डाल दिया और वहीं लिपट गए। अब से उन्हें लगभग 1 घंटे के साइलेंट मार्चिंग के बाद 100 डिग्री से अधिक गर्म सोमाली रात के माध्यम से कई मील चलना पड़ा। नाविकों ने अपरिवर्तनीय रूप से हमला करने से पहले अपने अंतिम कवर पर पहुंच गए। वे अब समुद्री डाकू से केवल 500 मीटर दूर थे। रास्ते में डेरा डाले, फिर दिशा बदले कई बार ताकि उनके चेहरों पर हमेशा हवा रहे। जल्दी देखे जाने की किसी भी संभावना को खत्म करते हुए हर छोटे विवरण को गिना जाता है जब चुपके से दुश्मन के जितना करीब हो सके। बंधक बचाव सामान्य मुकाबला मिशन से अलग होता है और यह कि बंधकों का जीवन दुश्मन से लड़ने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सील सचमुच मशीन बंदूक की आग से चलेगी। अगर इसका मतलब है वे जेसिका को बचा सकते हैं, तो उनका लक्ष्य जितना संभव हो उतना लंबे समय तक पता नहीं चलना था, जबकि गति का सार था। जैसे ही 24 योद्धाओं ने फिर से चलना शुरू किया, उनके जीवन का सबसे लंबा घंटा शुरू होने वाला था। अंग समुद्री लुटेरों के कान में थे और केवल रात के अंधेरे ने उन्हें दुश्मन के पहरेदारों के ध्यान से दूर रखा। मानो धीमी गति में एक पैर चुपचाप आगे रखा गया, वजन स्थानांतरित किया गया और उसके बाद ही अगले पैर और अनुभवी सील का नाम दिया गया। जस्टिन शेफील्ड ने समूह का नेतृत्व किया और उनके हाथ के संकेत द ऑपरेटर्स दूसरों के आग के मैदान में चले बिना जितनी संभव हो उतनी राइफलों को आगे लाने के लिए दूर तक बाएं और दाएं फैलाएं। स्निपर्स खुद को बाहरी किनारों पर रखते हैं और अपने साथियों की हरकतों पर नजर रखते हैं।
जैसा कि नाविक पूर्ण सामंजस्य में आगे बढ़े, वे अपने थर्मल स्कोप के माध्यम से देख सकते हैं क्योंकि दुश्मन सेंचुरी धीरे धीरे चिंतित और जाग गया। दूसरे समुद्री लुटेरे सील तेज हो गए, उनकी गति अभी भी पूरी तरह से स्थिर है। शेफील्ड और सोमाली गार्ड में से एक पर उनका लेजर और बिना कुछ कहे उनके साथियों ने ऐसा ही किया। इंफ्रारेड किरणें रात में पूरी तरह से अदृश्य थीं। उन्हें आभास होता है अंधेरे में कोई जोर की खड़खड़ाहट के साथ हिल रहा है। उन्होंने अपना भारी पल्ला झाड़ लिया, पीकेएम मशीन गन और स्थिति में आ गया। समुद्री लुटेरों ने अपने हथियार दिखा दिए। मोटे तौर पर जिस दिशा से उन्होंने सुना वनिया, जवानों ने एक बार फिर अपनी गति बढ़ा दी। अब बंदूकों की दूरी को बंद करने की तुलना में शोर अनुशासन से कम चिंतित हैं। इससे पहले कि सभी नरक एक गगनभेदी शोर के साथ ढीले हो गए, समुद्री डाकू मशीन गन ने लात मारी और ऑपरेटरों पर घातक 7.62 मिनी राउंड फायर किए। इसके बाद कई AK-47 असॉल्ट राइफलें स्नाइपर्स इस पल का इंतजार कर रहे थे और लगभग तुरंत ही सन्नाटा छा गया। नेवी सील्स की सर्जिकल प्रिसिजन के साथ नए टारगेट की तलाश करने से पहले दुश्मन की मशीनगनों ने जवाबी फायरिंग की। साथ ही साथ जेसिका और इसी तरह के बंधक बचाव को खोजने के लिए आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रही हैं। फ्रांसीसी तैयार थी, बस नकली तनाव की स्थिति में शूटिंग रेंज पर सैकड़ों घंटे का भुगतान किया गया। जब उन्होंने दो समुद्री लुटेरों को देखा तो एक केस जेसिका के ठीक ऊपर खड़ा था जो शेफील्ड की जमीन पर झुकी हुई थी और एक अन्य सील गठन से अलग हो गई। और दोनों ने सुनिश्चित किया कि ये समुद्री लुटेरे कभी अगवा न हों, सटीक शॉट्स के साथ फिर से किसी का भी। जब शेफील्ड ने अमेरिकियों के उज्जवल चेहरे को देखा तो चल रही गोलाबारी में वह उसके ऊपर सवार हो गया। ढाल उसे दुश्मन से अपने ही शरीर के साथ गोलीबारी। सेकंड के भीतर और अधिक मुवे जुड़ गई। शिक्षक को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं की कई परतों द्वारा संरक्षित किया गया था। हालांकि संचालकों के पास स्वयं सभी पत्नियां और बच्चे थे, उन्होंने बंधकों की पत्नी को अपने से ऊपर रखा। इस बीच एक और टिप्पणी और कॉल सिस्टम की देखभाल उसे दुश्मन की आग से भी बचाती है। आखिरकार 9 समुद्री लुटेरों को बेअसर कर दिया गया और गोलियां चलाई गई। रुके शेफील्ड ने जेसिका को अपने कंधों पर बिठाया और समुद्री डाकुओं के शिविर से बाहर निकल गया, जितना संभव हो सके किसी भी खतरे से दूर। अन्य यूज ने किसी भी क्षण लड़ाई को फिर से शुरू करने के लिए तैयार होने के लिए चारों ओर एक मानव ढाल का गठन किया। दौड़ने के बाद जहां तक उसके पैर उसे ले जा सकते थे, इस ऊर्जा संपीड़न युद्ध के बाद शेफील्ड ने गिरा दिया। जेसिका ऑफ पेरारिस की जंपर्स अमेरिकी वायुसेना के विशेष बचाव बल ने अमेरिकी महिला की देखभाल की, जिसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसे उसके देशवासियों द्वारा बचाया गया है। जैसा उसने उत्सुकता से पूछा, क्या होगा यदि अधिक आम और आने वाले, शेफील्ड ने ठंडेपन से उत्तर दिया, हम सील टीम 6 हैं। हम किसी को भी मार देंगे जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। अब वह उस ठोस जवाब से आश्वस्त हो गई थी। अगर वह दाढ़ी वाला योद्धा जिसने अभी अभी उसे उसके जीवन की सबसे बुरी स्थिति से उबारा था। समुद्री लुटेरों के हथियारों के डिपो में मुहरों के फूटने के बाद भी उन्हें एक्सफिल्ट्रेशन हेलीकॉप्टर के लैंडिंग जोन तक मार्च करना था। जब भी कहीं कोई संदिग्ध आवाज सुनाई देती तो रेडियो पर उसके दुश्मनों की खबरें आ जाती। जेसिका को नेवी सील की एक परत के नीचे खुद से बात करने में केवल कुछ सेकंड लगे, अपने शरीर के साथ उसकी रक्षा करने की कोशिश कर रही थी। सौभाग्य से, हालांकि अमेरिकी में कोई और लड़ाई नहीं हुई थी, सील के साथ स्वतंत्र रूप से ब्लैकहॉक चला गया था जो उसे उसके पीछे स्वतंत्रता के लिए उड़ान भरेगा। भारी हथियारों से लैस समुद्री लुटेरों के बीच 3 महीने की कैद, जिसके दौरान वह कभी भी निश्चित नहीं हो सकता था कि वह अगला दिन देखने के लिए जीवित रहेगी। सील टीम 6 के पुरुषों के निस्वार्थ प्रयासों ने आखिरकार उसे बचा लिया, जैसा कि उसने पिछले कुछ महीनों में देखा। बोर्ड पर सैनिकों में से एक जेसिका के बगल में घुटने टेक कर उसकी आंखों में देखा, उसे एक सुंदर मुड़ा हुआ अमेरिकी झंडा सौंप दिया और कहा कि घर में स्वागत है जेसिका, उन लोगों के लिए जिन्होंने इसे अब तक बनाया है। यह देखने के लिए धन्यवाद कि क्या आप हमारे काम का समर्थन करना चाहते हैं और बेझिझक एक लाइक छोड़ सकते हैं और हमें बताएं कि आप बंधक बचाव के बारे में क्या सोचते हैं। बस अमेरिकी सरकार को पर्याप्त फिरौती देनी चाहिए ताकि बंधकों को सील टीम 6 की तैनाती शांतिपूर्वक जारी की गई थी। आदर्श वाक्य को ध्यान में रखते हुए बस सही काम करना था।